नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। लेमन चिलीज फिल्म्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही हंसी वाले मुद्दे पर। हंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। आपने देखा होगा रावण की हंसी। अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपने इस टाइम रामायण चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि रामायण में रावण कैसे हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरा साम्राज्य है, इस साम्राज्य में मैं अपना शासन चलाता हूँ। यू नो, ये जो हंसी होती है ये कितने प्रकार की होती है। इसमें कोई प्रकार वकार नहीं होता मेरे भाई। इसमें हर इंसान की खुद की पर्टिकुलर हंसी होती है। आप कुछ अलग तरीके से हंसते होंगे, कोई किसी और तरीके से हंसता होगा, कोई किसी और तरीके से हंसता होगा। अब उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप। जैसे कि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने एक किक में एक हंसी हंसी थी ना, टक से वापस आ सकता हूँ। तो ये कैसे हुआ? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये जो हंसी है ये मैंने कहीं ना कहीं कॉपी किया। अब मैं बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अश्क फिल्म में से मनोज वाजपेयी जी की हंसी कॉपी की थी। उसमें वो एक बंदूक लेकर किसी को तानते नजर आ रहे हैं, वो हल्का सा ऐसे कर रहे थे। तो अब क्या है कि वहाँ पर जब वो कर रहे थे तो उन्होंने उस हंसी को फॉलो किया और देन उन्होंने किक फिल्म में उसको यूज़ किया। वो इतनी हिट हो गई कि वो अलग ही अंदाज निकल गया है, क्योंकि सलमान खान की फिल्म में थे भैया, हिट तो होनी थी, तो इसीलिए फेमस हो गई। अदरवाइज वो किसी और फिल्म में करते तो शायद इतनी हिट भी नहीं होती, है ना। तो बस मौके पर चौका वाली बात है। तो इतना हिट होते चले गए, हिट होते चले गए, हिट होते चले गए। भैया आज इतनी बड़े लेवल पहुँच गए जनाब कि बस ही इज़ एन स्टार राइट नाउ, ग्रेट। तो दोस्तों, ये जो हंसी है, हंसी भी कई तरह की होती है। आपके अंदर जो हंसी है उसको इम्प्रोवाइज करना होता है अलग अलग सीन्स के अकॉर्डिंग। अगर रावण वाली हंसी है तो रावण वाली हंसी तरह हंसना होगा। उसके लिए आपको रेगुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी होगी। ब्रीदिंग प्रैक्टिस मतलब इनहेल एक्सहेल करना होगा। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। अलग अलग तरीके से हंसने की कोशिश कीजिए। हंसी कई तरह की होती है, हम कई कई तरीके से हंसते हैं। घर में जब मॉम डैड होते हैं, कुछ बात कह दी, हाँ ठीक है डैडी, हाँ। अरे मैं जानता हूँ, हाँ बिल्कुल। अरे और सलमान खान साहब भी कई तरीके से हंसते हैं, लेकिन फिल्मों में भी नॉर्मल हंसते नजर आएंगे, है ना। शाहरुख खान यू नो, वो थोड़ा एंड में आके हम लोगों से इतना नहीं हो पाता है। शाहरुख खान साहब की वो नेचुरल है, क्योंकि इनकी जो आदत है वो उनकी वाइब्रेशन करने की बहुत अच्छी आदत है और वो उसके अंदर बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो चीज़ जो है इस तरह से वो लोग जो है अपने अंदर एक एक्स्ट्रा कुछ चीज़ डाल देते हैं, जिससे वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने से ना चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं और कोई बात नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए एक बाइक है, बाइक में अगर हमने हॉर्न अच्छा लगा लिया जो गली से निकलते हैं तो पैं पैं करते निकलते हैं, तो लोग देखते हैं और कौन सा हॉर्न है भाई ये। तो सेम वही चीज़ है, आप अलग सा एलिमेंट कुछ लगा देते हैं अपनी एक्टिंग में। नॉर्मल एक्टिंग तो वही है, आप बात तो वही कर रहे हैं, यार देखो सोनिया मैं तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता हूँ लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये तो बहुत फास्ट बोल दिया। यार सोनिया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम कितनी बदतमीज़ और वाहियात हो, मन करता है काट कर फेंक दो। डर लगता है ना तुझे मुझसे, डर, ये डर ही तुझे बहुत आगे ले जाएगा। यू नो, ऐसे करके आप कर सकते हैं ना, पागलपंथी की एक्टिंग, साइकोलॉजी, यू नो मतलब एक साइको का कैरेक्टर आप कर सकते हैं। तो बहुत सारा साइकोलॉजी होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, और आपको ये समझना होता है कि किस कैरेक्टर में किस तरह की हंसी चलेगी, और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप डायरेक्टर से पूछ सकते हैं। यानी कि हंसी पर आप अपने काम कीजिए। हंसी कितनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप हंस सकते हैं, और कितनी प्रकार की हंसी आप हंस सकते हैं, ये भी आप ट्राई करके देखिए। हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा काम हो जाए, फिर इसको ऑडिशन में इस्तेमाल करके देखिएगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं अच्छा यार फिट हो जाए तो क्या दिक्कत है, है ना। समझ गए ना, मेरे ख्याल समझ गए। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।